खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C न्यूज चैनल में आईसी पटेल के साथ आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। यूपी पुलिस अपराध कम होने के लाख दावे करती हो लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सीतापुर थाना रामगढ़ क्षेत्र के कांसीराम कॉलोनी का है, जहां आपसी रंजिश के चलते हुए दो पक्षों में विवाद पे युवक पर तेजाब फेंक दिया। आपको बताते चले, रामगढ़ थाना क्षेत्र के कांसीराम कॉलोनी में आज आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक युवक ने महिला पर तेजाब फेंक दिया, महिला का पुलिस ने इलाज कराया। पुलिस का कहना है कि गली में बैठने को लेकर दोनों पड़ोसियों में विवाद हुआ। मामले में महिला की तहरीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करते हुए जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। पुलिस का कहना है कि पड़ोसियों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, इसी बीच कल भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद चार युवकों में से एक युवक ने बैटरी से तेजाब निकालकर महिला पर फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने मौके पर पहुंच मामले का जायजा लिया। थाना रामकोट और ये कांशीराम कॉलोनी का मामला है। ये कल शाम को ये अड़ोस पड़ोस लोगों के बीच में विवाद हुआ है और प्रथम दृष्टि से ये दोनों नशे में थे और उसी पे कुछ विवाद हुआ और उसमें झगड़ा हुआ था और उसके बाद सुबह उनके ऊपर कुछ एसिड फेंकने का इन्होंने आरोप लगाकर उस पर एक थाने में आए थे, तो तत्काल उनको मुकदमा लिखा गया। उसमें चार पड़ोसियों को नामजद किया है, उनके लिए उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया है और अभी उनकी स्थिति ठीक है। और इसमें चार नामजद किया है और इनका कहना है बैटरी से पानी निकाल कर इनके ऊपर फेंका गया है और वो जांच किया जा रही है और इसमें दो लोग कस्टडी पे लिया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें सख्त कार्रवाई किया जा रही है। सर, आप मौके पे आए।